यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का एक बार अरे कितना खूबसूरत यहाँ का पार्क है। ये देखिए एक बार इसका व्यू, पूरा दिल खुश हो जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी गाइज हम आ चुके हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल के पास। ये हड वाला हॉल है और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अभी शाम हो गया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत शाम हो गया है, 6 बज गए हैं। तो देखते हैं अभी, आइए गाइज। इसके लिए हम लोग अभी लगे हैं लाइन में और बहुत लंबी लाइन लगी है। ऐसा लग रहा है इसका हॉल छोटा है तो इसलिए इसको लाइन लगाना पड़ा है। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं ऊपर और अभी आप ये देख सकते हैं ये गेट है और इसके सामने हम देख सकते हैं इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये जो हमारे पूरे पुराने ज़माने में देख सकते हैं कैसे काम हुआ करते थे, कैसे आविष्कार हुआ सारे, वो सारे यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे ये गेट है और एक सामने से ये एंट्री गेट है। तो हम पहले इधर से चलते हैं, फिर इधर से होते हुए यहाँ निकलेंगे। तो हम पहले चलते हैं यहाँ से अंदर और यहाँ आएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सारी एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे ये देख सकते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल्स, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे गैस ये हैंडल लगा हुआ है, देख सकते हैं ये प्रेस करते हैं, जैसे तो ये सब बताया गया है। देख सकते हैं ये देखें, ये यहाँ पे तो ये चल रहा है और यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आइसक्रीम के थ्रू ये ग्रीन एनर्जी है जो कि सोलर, ये देख सकते हैं पवन चक्की के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होता है वो है, देख सकते हैं आप लोग, जिससे हमें फ्यूल की बचत होती है। जैसे ये ऑप्टिकल डिश है जो पुराने जमाने में गाने चलते थे, ये ऐसे ही देख सकते हैं, इसे प्रेस करने पर चेंज हो जाता था। और ये पहले इतना बार सीडी होता था, देख सकते हैं आप लोग, इसी में गाने डालना जाता था, मेमोरी कार्ड यही था उस जमाने में। और ये है 3D प्रिंटिंग, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं सब रखे हुए हैं प्रिंटिंग। और ये जैसे सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है जो कि अभी देख सकते हैं 2G 3G, ये 2G कैसे काम करता है। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी कैसे स्टोर किया जाता था देख सकते हैं। ये बैटरी की देख सकते हैं, पहले बैटरी बनने के लिए बैटरी कैसे बनाया गया है एनर्जी स्टोर करने के लिए, हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अपना फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे सामने कैमरा है, देख सकते हैं इसमें मैं देख रहा हूँ। और इधर आएंगे तो ये देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी है पूरा, और पूरा दिखाया गया ह्यूमन बॉडी को अंदर से, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कलेजा फेफड़ा जितना भी अंदर की मशीन है सब दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लगा के खुद को भी देख सकते हैं। और आगे आएंगे यहाँ पे तो ये देख सकते हैं ये म्यूजिक इनकोडेड है, तो म्यूजिक कैसे बनाया जाता था ये देख सकते हैं, कैसे इनको डिकोड किया जाता था। एक बार प्ले करते हैं, ये अभी खराब है तो काम नहीं कर रहा है, प्ले नहीं हो रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं रेंटिनल इम्प्लीमेंट, ये देख सकते हैं ये गिटार जो है। और अब हम चलते हैं इसमें, इस हॉल में चलते हैं, इस म्यूजियम के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है दूसरा है। और इसमें ये देख सकते हैं उस टाइम के जो भी हथियार बनाए जाते थे क्या क्या ये देख सकते हैं यूज होता था, पहिया सब कैसे बनाया गया है उस सब के बारे में इसके अंदर बताया गया है यहाँ पे, ये पूरा देख सकते हो। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये टेक्सटाइल है, उस टाइम पे कैसे कपड़ा बनाया जाता था, देख सकते कपड़ा इसे बनाया जाता था धागों से। और ये सामने आप देखो देख सकते हैं चाचा चाची कपड़ा बना रहे हैं, देख सकते हैं। और इसके आप आगे आएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि ये शिप बिल्ड किया जाता है, शिप बिल्ड कैसे होता था देख सकते हैं उस टाइम को, जहाज उस टाइम की जहाज यही थी, देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। ये दो लोग मिलकर बना रहे हैं, देख सकते हैं एक अंदर बैठ के बना रहे हैं और एक बाहर से। और यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं हिमालय का ये पर्वत पे एक ऐसा बनाया जाता था जिससे एनर्जी जनरेट हुआ करता था, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ों के ऊपर बनाया जाता था, ये देख सकते हैं इस साइड पहाड़ है ये,
उनके बीच ये बनाया जाता था। पहाड़ों से जब पानी गिरता था उस पानी की वजह से उस एक चक्की नीचे लगा हुआ है वो चलता था, उससे एनर्जी जनरेट होता था। और यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं सामने ये कुछ धार लगा रहे हैं सामान में और ये कलर कर रहा है बच्चा कलर। और यहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई ये देख सकते कुछ कलाकृतियाँ हैं। और यहाँ पे इधर से पहिया ये रखा वगैरह हुआ है और इनके सामने इनके द्वारा बनाए गए सुराही है, कुछ इनकी कलाकृति है देख सकते हैं आप लोग कलाकृति। और इसमें ये सब बताया जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जिसपे खत लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उस टाइम पे खत पेपर नहीं हुआ करते थे तो यहाँ पे पत्थरों पे ही खत लिखा जाता था और यही भेजा जाता था। बाद में कपड़ा आया, कपड़ा पे लिखा जाता फिर पेपर आया। और यहाँ पे ये ताजमहल इंडिया का जो है मोस्ट फेमस प्लेसेस वहाँ पे दिखाया गया है ये ताजमहल के बारे में। पूरा ओरिजिनल ताजमहल बनाया गया, ओरिजिनल वीडियो चल रहा है देख सकते हैं पूरा। और ऊपर ये ताजमहल भी लिखा हुआ है एक बार देख सकते कितना खूबसूरत इसको बनाया गया इस ताज को। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और सामने एक टेम्पल है देख सकते हैं। और आगे आएंगे तो अब पुराने ज़माने में ये देख सकते हैं यंत्राक्ष, ये यंत्राक्ष है जो तीन गुरु लोग बैठे हैं और यंत्राक्ष कुछ कर रही है देख सकते हैं आप लोग, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। और सामने लग रहा है ऐसे गांजा बना रहे हैं और यहाँ पे खाना कुछ बना रहे हैं खाने के लिए ये बाबा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सामान स्टोर करके रखा गया है ऊपर, ऐसे ही ऊपर पहले रखा जाता बिल्ली उल्ली से बचाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ को गर्म किया जा रहा है, ये ऐसे जिंक बनाया जाता पहले, जिंक जो खेतों में यूज होता है जिंक, उन जिंक ऐसे बनाया जाता था उस टाइम पे, कुछ गर्म किया जाता है ऐसे देख सकते हैं जिंक स्मेल्टिंग जिसको गर्म किया जा रहा है पिलाया जा रहा है, ऐसे जिंक बनता था उस टाइम पे। और यहाँ पे आगे आएंगे तो ये कुछ यंत्र है जो लोहे से आयरन से बनाया गया है जो उस टाइम लड़ाई में काम आते थे, जैसे ये देख सकते हैं तलवार है, फिर शायद चाकू है, कट्टर है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक चाचा चाची है जो ये आयरन को पिघला रहे हैं, आयरन को पिघला कर एक लोहा का शेप दिया जाता था जिसके बाद उससे कोई हथियार फिर बनाया जाता था। एक देख सकते ये नीचे चाचा पैर पे प्रेशर लगा रहे हैं जिससे हवा पास होती है, और हवा पास होती है तो आग जलता है तेज। और उसके बाद ये जो चून डाला जा रहा है लोहे का फिर पिघल कर एक शेप उसका दिया जाता था लोहे का शेप। और फिर यहाँ पे आगे ये उस आयरन से कुछ हथियार बना रहे हैं देख सकते हैं, आयरन स्टील कोई हथियार बना रहे हैं। और यहाँ पे हीट किया जा रहा है उस लोहे को दोबारा हीट करके पीट के फिर हथियार बनाया जा रहा था, तो यहाँ पे ये हीट करने का काम कर रहे हैं दोबारा से देख सकते हैं कोयले में। और आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं वो रखा है आग बुझाने के लिए भी। और यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इलाज उस टाइम पे होता था, ये देख सकते हैं गुरु लोग हुआ करते थे, यही लोग उस टाइम का डॉक्टर हुआ करते थे, पीछे एक नर्स है। और कोई कुछ हो जाता था देख सकते हैं कैसे पकड़ के दो लोग रखे हैं और एक बाबा जो है इलाज कर रहे हैं। और नीचे ये देख सकते हैं कुछ मटके में दवा रखा गया है देख सकते हैं, ऐसे ही इलाज हुआ करता था। और यहाँ पे देखेंगे तो ये रखा गया है जड़ी बूटियाँ है, उस टाइम जड़ी बूटियाँ काम आती थी, सारे जड़ी बूटी है जंगल के इसी से इलाज हुआ करते थे उस टाइम पर कोई दवा था नहीं। और उस टाइम पे भी योगा हुआ करता था, इस टाइम पे भी तो अभी फेमस हो गया है लेकिन उस टाइम पे भी पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है, ये देख सकते हैं ये आसन कर रहे हैं योगा जिसको योगा बोलते हैं आसन। और ऊपर लिखा हुआ भी है देख सकते हैं योगा, तो लोग हेल्दी रहने के लिए चुस्त दुरुस्त रहने के लिए उस टाइम भी योगा किया करते थे लोग। अब आगे चलते हैं, आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसे आविष्कार हुआ था। यहाँ पे कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, ये तो ये देख सकते हैं। और ये सामने है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, ये तबला है, गिटार है, शहनाई है देख सकते हैं आप लोग, ये सब रखा गया है। और उस सामने एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो सब बजा के दिखा रहे हैं तबला गिटार सारे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव म्यूजियम है ये भाई, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये बाकी यहाँ पे भारत का मैप लगा हुआ है और ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, ये देख सकते हैं सारे ये साइंटिस्ट की फोटो लगी हुई है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। आइए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है।
और यहाँ पे ये कुछ देख सकते हैं, इसे बैलेंस किया गया है, बैलेंस ये साइकिल का चेन लगाया गया बैलेंस कुछ यहाँ पे, इसे मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जब आविष्कार हुआ था ये हिसाब करने के लिए। और नेक्स्ट अब आएंगे तो ये है टाइम यंत्र, जिसको समय यंत्र बोल सकते हैं आप लोग। उस टाइम पर टाइम देखने के लिए इसका यूज किया जाता था, उस टाइम में घड़ी नहीं हुआ करता था, तो ये ऐसे बनाया जाता है टाइम देखने के लिए। और ये देखेंगे तो ये है राम यंत्र, इसको राम यंत्र बोला जाता था क्योंकि इससे डेट देखा जाता है। इसमें ये जो दिख रहे हैं आप लोग पूरे 30, ये तिल्ली है 30 आपको मिलेंगे, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, पूरे 30 है। और एक से ज़्यादा देशों का टाइम देखना होता था तो ये जंतर मंत्र बनाया जाता था। ये देख सकते हैं इस पर टोटल तीन देशों की आप लोग इस पर टाइम देख सकते हैं, इसलिए ये बनाया जाता था दूसरे देश की टाइम देखने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी चंद्रमा का कैसे परिक्रमा करता है वो दिखाया गया है। और अब आते हैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाते हैं बाजार, उस टाइम के बाजार कैसे हुआ करते थे आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं, और ये कस्टमर है जो खड़े होकर सामान खरीद रहे हैं। और उस टाइम के ये देख सकते हैं ये तराजू है, ये अभी भी मार्केट में आपको मिलेगा, मिलता है अभी भी ये तराजू है। और उस टाइम पे किलो नहीं हुआ करता था, जैसे पत्थरों से तोला जाता था, शेर बोला जाता उस टाइम पे, उस शेर से ही जोखा जाता था। और यहाँ पे देख सकते हैं प्यारी सी मैनी है, पीछे एक मुर्गी है, और यहाँ पे खिलौने, मिट्टी के खिलौने बर्तन बेचे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये गुड़िया है, ये अपनी ये खिलौना लेके आई, डुगरौनी हम लोग भी बचपन में काफी बनाते थे। ये देख सकते हैं आप लोग, एक अपना अपनी माँ के साथ आई है, ये डुगरौनी लेके, काफी प्यारा नजारा दिखाया गया है भाई। और यहाँ पे देख सकते कुछ ये बॉक्स में सामान रखे गए हैं, और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाया जा रहा है, ये कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं देख सकते हैं। और इनका हिरण देख सकते हैं घर में से झांक रही है, हिरण बकरी है देख सकते हैं, बकरी भी देख रही है ये क्या कर रहे हैं लोग। और ये मुर्गी है इनका देख सकते हैं आप लोग। और ये दिखाया गया विला, उस टाइम के विला कैसे हुआ करते थे देख सकते हैं, ऐसे बनाया जाता था, ऐसे उस टाइम के विला दिखाई देते थे देख सकते हैं। और सामने का मजदूर है जो कि एक बोरा लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे रथ का देख सकते हैं, रथ का पहिया, कितना बड़ा पहिया हुआ करता था रथ का, महाराजा लोग यूज किया करते थे रथ। और इधर आएंगे तो यहाँ पे सामने देख सकते हैं मिट्टी का घर, मूर्ति कैसे उस टाइम बनाया जाता था ये देख सकते हैं पूरा, ये दिखाया गया है यहाँ पे मिट्टी का घर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आयरन का पिलर है देख सकते हैं, ये वो पिलर है जो कुतुब मीनार में भी आप लोग देखे होंगे, और ये काफी फेमस पिलर है। इसका खासियत ये है कि इसके अंदर जंग नहीं लगता है क्योंकि इसको फास्फोरस और आयरन मिलाकर बनाया जाता था, जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगता था। और इसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये कौन सा लैंग्वेज है पता नहीं है देख सकते हैं आप लोग, ये कोई और लिपि है यहाँ पे। और ये पता है आपको ये पूरे 1600 साल पहले का है, आज भी इस पर जंग नहीं लगा है। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे जो हरिजन समाज के लोग हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, उन लोगों का जीवन दिखाया गया, उन लोगों का जीवन ये देख सकते हैं, ये उनका घर है, ये मिट्टी से अपने द्वार को लीप रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर से ये कुछ पीस रहे हैं, और इनकी जो पत्नी है वो टोकरी में कुछ सामान रखी है, कुछ वो भी कर रही है। और इनका पीछे सुअर है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लोमड़ी है, और पीछे वो एक बाबा है कुछ लिए डंडा लिए खड़े है। और इनके झोपड़ी के अंदर देखेंगे वो तो चमड़ा रखा गया है देख सकते हो, जानवर की खाल है, खाल को रखा गया है, और ये इनका झोपड़ी है। और इनके पीछे इनके पूरे खेत खलिहान को दिखाया गया है, पूरे गांव को ये जो आकृति होती थी उस टाइम की पूरा सीन खींच के यहाँ पे रख दिया गया है। इतनी खूबसूरत नेचर को दर्शाया गया है ना, ये हम आपको बता नहीं सकते कितना प्यारा है। ये देख सकते इनकी गाय है, और पीछे भी दो लोग दिख रहे हैं, और उनका एक झोपड़ी दिख रहा है पीछे देख सकते हैं आप लोग, बच्चे खेल रहे हैं पीछे। और ये लोमड़ी कैसे दिख रही है ये देख सकते हैं आप लोग, क्या नजारा है भाई। और ये मूर्तियां है वो पत्थरों से बनाई जाती थी घिस घिस के। और ये वर्ल्ड मैप है, इस पे पूरे देख सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान को पूरा दिखाया गया है, इस पे पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया है यहाँ पे। उस टाइम पे वर्ल्ड मैप ऐसे हुआ करते थे आप लोग देख सकते हैं। और इसके जस्ट इसके बगल में आएंगे तो पूरा सेपरेट इंडिया का मैप बनाया गया है उस टाइम, ये देख सकते हैं कम ही स्टेट हुआ करता था उस टाइम पे, और हर स्टेट की जो फेमस फोर्ट जगह हुआ करती थी उससे इसको दर्शाया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, काफी प्यारा है। और ये पत्थरों को काट करके कैसे बनाया गया है, और यहाँ पे कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर है ये, उस टाइम पे कैलेंडर ऐसे हुआ करते थे ये देख सकते आप लोग, ये कैलेंडर है, पता नहीं ये कैलेंडर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कैलेंडर हुआ करते थे। और ये देख सकते हैं पहाड़ को काट के इसके अंदर घर बनाया जाता था। और यहाँ पे देख सकते हैं सब दिखाया जा रहा है LCD में,
और कल अगर सुनेंगे यहाँ पे तो आवाज आएगी, दूर से पास में ही रहेंगे तो नहीं सुना जाएगा, लेकिन कल रहेंगे ना तो इसमें आवाज आती है। इसमें से काफी अच्छा है, काफी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू जगह यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अब एग्जिट हो रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं गेट है, बाहर से देख सकते हैं, से अंदर से तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन बाहर से आपको दिखा रहे हैं पूरा महाराजा जैसे दिखेगा बाहर से। देखिए बाहर से ग्लास है, बस उसी पे पेंटिंग करके पूरा महाराजा जैसे बनाया गया है। देख सकते हैं हम बाहर आ गए हैं और आप दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूरा पेंटिंग करके ऐसा लग रहा है पूरा महाराजा गेट है, राजाओं की गेट है पूरा। और ये लोहे पे कुछ आकृतियां बनाई गई है जमाने की, और सॉन्ग प्ले हो रहा है, और ये देख सकते हैं नाइट हो गया है तो ये चल रहा है, फवारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं नज़ारे। और अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे बैठ के इंजॉय ले सकते हैं, बैठ कर पूरे इंजॉय ले इसका, जैसे हमने आप लोग स्टार्टिंग में दिखाया था बंद रहता है नाइट शो, वही है देख सकते हैं नाइट शो चल रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है काफ़ी। अब हम निकल रहे हैं बाहर, ये देख सकते हैं ये हो गया है रात, और कितना नज़ारा है इसका नाइट में, ये नाइट व्यू सा कितना खूबसूरत है। और फाइनली हम लोगों ने पूरा घूम लिया, और जैसा कि हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि रात हो जाएगा घूमते घूमते, कम से कम 6 घंटे चाहिए पूरे घूमने के लिए, बहुत ही एक्टिविटी है, और अब एक्टिविटी करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो हमने पहले 300 का टिकट लिया था पूरा एक्टिविटी करने के लिए, तो उसने मना किया कि भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 बज गया था ऑलरेडी, 3 बज गया था, तो हमने वापस करके सबसे कम टिकट 65 रुपये का लिया। और मैं भी आप लोगों को एक अपना ओपिनियन दूंगा तो सबसे बेस्ट रहेगा 65 का लो, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हो तो लेकिन आप देख सकते हो पूरा, ऐसा नहीं कि अगर पूरा टिकट नहीं लेंगे तो देख नहीं सकते, आप पूरा देख सकते हैं 65 रुपये में, बस एक्टिव उससे आगे एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो सबसे अच्छा 65 लगा, हमने पूरा देखा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी खूबसूरत है। और ब्लॉग इसमें इतनी ज़्यादा जगह है ना, बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लोर करना ईजी नहीं है पूरा इसको, तो इसलिए मैंने बहुत वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, तो एक तो मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरा सब शॉर्ट में सब दिखा दूंगा एक बार जरूर है। साइंस सिटी बहुत बड़ा साइंस सिटी है और इंडिया का सबसे पुराना यही है, और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1997 को, 1 जुलाई 1997 को खुला था, और आज ये पूरे 25 साल हो गए हैं इसको बने हुए, पूरे 25 साल। तो अभी गाइस हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और अब हम मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट न्यू लोकेशन पे। अभी मैं कोलकाता में ही हूँ और अभी रहूँगा, तो पूरा इसको एक्सप्लोर करूँगा, तब तक के लिए चलते हैं और स्पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।